hey everyone welcome back to my channel hope all are doing good today i'm sharing with you this winter glowy dewy makeup look so let's get start the video so first time we start with skin preparation se. सो दिस इज़ गार्निया वाइटामिन सी serum दिस serum इज़ टू गुड अमेजिंग मुझे ये वाला सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत अच्छा काम किया इसने मेरी स्किन पे मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट थे उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है अगर आप चाहो तो ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो मैं इसे हाईली हाईली रेकमेंड करना चाहूँगी नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर के लिए सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है आई रियली लाइक इट एंड उसके बाद अब मैं लगाऊंगी हिमालय का लिप बाम बहुत अच्छा एंड बजट फ्रेंडली लिप बाम है नेक्स्ट अब मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का ये डेली ग्लो लूमी क्रीम इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बिकॉज दिस क्रीम इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में अगर आप इस तरह की मॉइस्चराइजिंग प्लस हाइड्रेटिंग ग्लोई लुक अगर आप चाहते हो तो इस तरह की क्रीम आप यूज कर सकते हो उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे फेसेस कैनेडा का थ्री इन वन फाउंडेशन दिस फाउंडेशन इज़ सो नाइस इसमें फाउंडेशन है मॉइस्चराइजिंग है एंड सनस्क्रीन है तो अगर आप सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं करते हो तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो एंड फाउंडेशन इज रियली गुड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर कई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज मैं हर वीडियो में इस कंसीलर की बात करती हूँ सो so, बस आप देखो इस वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो फिर मैं बेस को सेट करने के लिए यूज़ करूंगी फेसिस कैंडा का वेटलेस मैट फिनिश कॉम्पैक्ट एंड गुड कॉम्पैक्ट अब मैं करूँगी फेस को ब्राउन्जिंग थोड़ा बहुत ब्राउन्जिंग भी कर लेंगे इसके बाद मैं स्वेज ब्यूटी के इस पैलेट से ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी बिकॉज मुझे अलग से हाइलाइटर नहीं लगाना है तो दोनों को मिक्स करके हम जब लगाएंगे तुम्हारा फेस थोड़ा और ग्लो करेगा एंड से दिस ग्लो सो ब्यूटिफुल आई मेकअप के लिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है सिंपल शिमर काइंड ऑफ आई शेडो पिक किया है उसे दोनों आईलेट पर लगाया है फिर मैंने आईलाइनर के लिए मेबलिन का आई आईलाइनर यूज़ किया है मैं यूज़ करी यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा एंड मैंने जो काजल है वो ऑफ कैमरा लगा लिया था तो आज मैंने लिपस्टिक को स्किप किया है उसके बाद मैं अपनी लिप को आउटलाइन करूँगी इस फिस ब्यूटी की लिप लाइनर से इसके बाद मैंने लिप्स को थोड़े ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का प्लम्प ऑफ वेट लिप ग्लॉस इन दी शेड काइंड नेक्ट सो गाइस लुक इज कम्प्लीट दिस लुक इज वेरी नेचुरल ग्लोई डोई एंड नो मेकअप काइंड ऑफ मेकअप ओके बाय